अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कोन की डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसकी फैब्रिकेशन के लिए जो हम सेगमेंट निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं ऑटो कैड के ऊपर। ये हमने एक कोन बनाया है जिसका ऊपर का डायमीटर और एक नीचे का डायमीटर है और एक इसकी हाइट है। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर का डाया मैंने रख दिया 100 मिलीमीटर, इसकी हाइट भी 100 मिलीमीटर रखी है और नीचे का जो डायमीटर है वो 200 मिलीमीटर रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं, नीचे मैंने एक दायरा बनाया है, ऊपर भी एक दायरा, समझाने के लिए कि इस तरीके से कोन बनेगी हमारी। ये देखें, इसका डायमीटर 100 है और इसका 200 है। इसका ऑटो कैड पे हमने एक साइड व्यू बनाया हुआ है कि साइड से ये कोन बेसिकली किस तरह नज़र आएगी। ये देखें, एक सीधी लाइन, ये हमारे ऊपर का डाया और नीचे का डाया और ये हाइट। यहाँ से आप डायमीटर का सिंबल ऐड कर सकते हैं जब ड्राइंग आप बनाएं। इससे हमें पता चलेगा कि ये कोई गोल चीज़ है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा डेटा है वो हम लिख लेते हैं। ये स्मॉल डाया 100 हो गया और इसकी हाइट है 100। ये सारी डायमेंशन हम मिलीमीटर में ले रहे हैं। ये देखें, ये 100 यहाँ पर आ गया हमारे पास और ये जो 200 मिलीमीटर जो नीचे वाला डाया है, बिगर डाया, बड़े वाला डाया, इसको भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि हम आगे चल सकें और हमें ये चीज़ें याद रहें। इसके बाद ये जो डायमेंशन हमने लिखी है इसको आप डिलीट कर दें और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर तक और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे कीजिए। अब ये जो दो लाइनें हैं इनको एक्सटेंड कर दें और ये जो दो लाइनें हैं इनको आप एक्सटेंड कर दें, इनको फिलेट कर दें और यहाँ से इसको, ये देखें जहाँ पे मिलती है, अब ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया। अब एक ये हाइट आ गई हमारे पास और एक ये हाइट आ गई। ये बेसिकली हमारे पास दो अदद रेडियस आ गए। एक रेडियस यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे और दूसरा रेडियस हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो 100 मिलीमीटर का डाया है इसका बेसिकली सरकमफ्रेंस कितना आता है हम वो जानेंगे। इसको पाई से ज़रब देके पाई की जो भी वैल्यू है आमतौर पे 3.1415 ली जाती है, तो हम यहाँ 100 को ज़रब दे देंगे पाई की वैल्यू से, हमारे पास एक सरकमफ्रेंस आ जाएगा इस स्मॉल डाया के लिए, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की है, ये लंबी लेंथ होगी, ये एक सेगमेंट बनेगा जिसको हम रोल करके बाद में कोन बना लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको 100 इंटू 3.1415 314.15। ये है छोटे वाले डायमीटर का जो सरकमफ्रेंस आएगा, ये आएगा। और इसके बाद जो बड़े वाला डायमीटर है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम इसके साथ भी, वो 100 था ये 200 है, तो बस सिंपल इसको 2 से ज़रब दे देंगे, जवाब आ जाएगा हमारे पास कि इसका सरकमफ्रेंस कितना है। बस ये 2 से ज़रब दे दिया और 628.3। अब इस सर्कल को हम ब्रेक कर देंगे किसी एक पॉइंट से, मिसाल के तौर पे
ये जो दो सर्कल हैं हमारे पास बड़े वाले, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारे पास आ जाए। अब हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस एरिया को। अब ये हमारे पास आर्क लेंथ दोनों आ गए, दो आर्क आ गए। अब पहले आर्क, चूँकि मेरा डाया 100 मिलीमीटर है तो उस आर की लेंथ होनी चाहिए मेरे पास 314.15। ये मैंने एक फर्जी काटा था इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा है। अब मुझे ये लेंथ चाहिए यहाँ पर। इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑटोकैड में कमांड होती है LEN लेंथ। अब इसको टोटल कितनी रिक्वायर्ड है, 314.15। और ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें ये मेरे पास एक आर्क लेंथ आ गई जो मुझे चाहिए। इसको अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो ये देखें बिल्कुल वही आ गई जो मेरी ज़रूरत है, ये वाली। अब इसी तरीके से हम नीचे वाले जो है हमारा 628.3, इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे हम, लेंथ टोटल और 628.3। ये हमारे पास एक और आर्क आ गए। अब हम इन दोनों को अलग करते हैं यहाँ से और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस सिरे के ऊपर और एक इस सिरे के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके वहाँ से ट्रिम कर देते हैं, लेंथ वही रहेगी। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखें 314.15 और 628.3। ये देखें हम मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए इसको करीब ले आए, ये देखें ये दोनों डायमेंशन आपस में हूबहू मैच हो रही है। यहाँ से अपन को डिलीट कर दें और इसको साइड पर ले आए और इसको हम ट्रिम कर दें। अब ये जो शक्ल है बेसिकली ये एक प्लेट कटेगी, एक सेगमेंट कटेगा जो रोल हो के हमारे पास एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी हम अगर देखें कुछ चीदा डायमेंशन हमारे पास जो आ रही है, ये रेडियस देखें ये आ गया छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए ये रेडियस आ गया। आपस में एक दूरी देखेंगे तो ये आ गई और बड़े साइड से ये आ गई। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है ये है हमारी लेंथ। कौन सी वाली लेंथ, जो कोन की हम साइड से देखते हैं, जो जिस कोन को, अब ये देखिएगा ये कोन एक तो स्ट्रेट लेंथ आ गई, एक आ गया हमारे पास ये टेपर, ये 111.8। ये देखें ये हूबहू यही है। तो ये शक्ल हमारे पास आ गई फाइनल, एक सेगमेंट बनेगा जिसको रोल करके हमारे पास कोन आ जाएगी।